हेलो किड्स, आज एक मदर्स डे पे आज एक और कार्ड बनाएंगे हम। तो ये थोड़ा सा टफ है, तो ये सीनियर सेक्शन के लिए हो जाएगा इजी, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी आपको। तो इसके लिए मैंने एक पेपर, वाइट पेपर लिया है और इसमें स्केल नहीं है, तो मैंने इससे 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस लेके एक यहाँ पे एक हमें सर्कल बनाना है। इसके सेंटर पे लेके हमने एक सर्कल बनाया इस टाइप से, ठीक है। और इसी के नीचे हमने एक हम नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। अब हमें इस ये लाइन को, इसको थोड़ा सा जूम करना, ये लाइन को पूरा हमने नीचे यहाँ पूरा कॉर्नर तक नहीं लेके जाना है। यहाँ पे हमने 1/2 सेंटीमीटर इसको यहाँ पे डॉट लगा के हमने 1/2 सेंटीमीटर इस पर छोड़ देना है यहाँ पे से, और यहाँ से भी 1/2 सेंटीमीटर लेना है। ये 1/2 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे इस पर लाइन खींचनी है, ये। अब इसको हमें अगर आपके पास पेपर कटर है तो आप उससे इसको कट कर सकते हैं, नहीं तो सीज़र से भी कट कर सकते हैं। सीज़र से कट करने की, किसी सर्कल को कट करने की देखिए ट्रिक क्या होती है, हल्का सा साइड से इसको हमें फोल्ड करना है और इस पर कट पे इस पर मार्क लगाना है इस टाइप से, और फिर इसके बाद आप इसको कट कर लीजिए। तो इसके बाद मैं ये इसको, ये सर्कल को कट करूँगी। देखिए इस टाइप से इस सर्कल को पूरा कट करना है, और इस ये वाली लाइंस को जो हमने ये बनाई है इसको भी हमें कट करना है। तो इसका भी यही मेथड है, इसको इस टाइप से फोल्ड करिए और यहाँ पे कट का मार्क लगा दीजिए, ये देखिए। और इसको हमें इसको पूरा कट करना है, और बस हमें इसको कॉर्नर तक नहीं लेके जाना, इस टाइप से हमें इसको कट करना है। अब देखो ये कट करके हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा, यहाँ से भी कट कर लिया हमने, बिल्कुल एंड कॉर्नर तक नहीं कट किया, इसको ऐसे करके कट कर लिया। अब देखिए इसका जो ये वाला पीस है ये भी काम आएगा, ये मैं बताऊंगी अभी। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक रेनबो बनाना है। रेनबो के लिए हमें वो सारे पेपर्स लेने हैं, तो उसके बाद हमें सबसे पहले ये रेड पेपर लेके वही रेडियस जो हमने इसमें ली थी, इसी रेडियस से हमें इस पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया और इससे हमने 1/2 सेंटीमीटर कम करते जाएंगे, इसमें 1/2 सेंटीमीटर कम करते जाएंगे, और हमें इस टाइप से इसमें रिंग्स बनाने हैं। ये देखिए इस टाइप से रिंग बनाने हैं, फिर रेड के बाद और ऑरेंज आएगा, फिर ऑरेंज से इसी रेडियस से हम इस पर ये सर्कल बनाएंगे, और इस पर भी इसी टाइप से हमें 1/2 सेंटीमीटर कम करके इस टाइप से रिंग बनाते जाना है। तो इस टाइप से हमने ये पहले बड़ा वाला रेड रिंग बनाया, इसको कट कर लिया, इसके बाद ये ऑरेंज रिंग, फिर हमने इससे छोटा इस टाइप से हमने ये येलो रिंग बनाया, और फिर ग्रीन, फिर हमने एक और ब्लू कलर का ये रिंग बनाया। और हम क्या करेंगे, इसको इस पेपर के ऊपर इसको रिंग वाइज हम इसको इस पे पेस्ट कर देंगे पूरा इस टाइप से। तो इसके लिए हम पूरे पे हम ग्लू लगाएंगे, पूरे पे ग्लू लगाइए, और इसको 1 by 1 हमें एक रेनबो बनाना है, है ना। तो रेनबो वाला सर्कल बनाना है, तो हम इसको 1 by 1 हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। कि ये हमने इसमें ये सारे रिंग्स को पेस्ट करके इस टाइप से हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब हम एक बटरफ्लाई और ड्रॉ करते हैं, हमें बटरफ्लाई कट करनी है। तो बटरफ्लाई को इक्वल करने के लिए जैसे हम फ्लावर्स बनाते हैं ना, वैसे ही हम क्या करते हैं, हाफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हमने इस टाइप से हम बटरफ्लाई ये ड्रॉ करते हैं,
ये हमने हाफ ड्रॉ करी। और उसके बाद क्या करो, इस पेपर को फोल्ड कर दीजिए। ये पेपर को फोल्ड किया और इसको हम कट कर लेंगे। तो हमारा इक्वल दोनों साइड की इक्वल बटरफ्लाई इस टाइप से कट हो जाएगी। इस टाइप से ये देखिए, ये बटरफ्लाई बन गई। ठीक है, अब हमें इस पे, इस बटरफ्लाई पे अब ये बटरफ्लाई देखो, इस टाइप से स्टोन्स मिलते हैं, इनको पेस्ट, इनका ग्लू थोड़ा सा निकल गया है, इनको पेस्ट करके भी ये निकल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इनको इस टाइप से इसके ऊपर ये स्टोन्स पेस्ट कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा ये बन गया। इसको हमें थोड़ा सा इस टाइप से रखना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद ये पेस्ट हो गया, इसके बाद हमें इस बटरफ्लाई को इस पे लगाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें अब मेरे पास डबल टेप नहीं है, हम इसके बैक में डबल टेप लगा सकते हैं। मार्केट भी नहीं खुला है, नहीं मिल रहा है, तो देखिए मैंने कुछ ऑप्शंस में यूज़ करती हूँ। इसमें मैं सेलो टेप लगाती हूँ। सेलो टेप को फोल्ड करके, जैसे हम रैपिंग में कोई चीज़ हमें लगानी होती है, बर्थडे स्लिप्स लगाते हैं, इस टाइप से लगाते हैं, तो इसी टाइप से इसको थोड़ा सा, ये देखिए इसको मैं इस टाइप से इसको फोल्ड करूंगी। मैंने इसको पूरा ही फोल्ड कर दिया इस टाइप से, देखिए इसको थोड़ा सा थिक कर दिया, जैसे डबल टेप थोड़ा सा मोटा होता है, इस टाइप से मैं इसको ये ले लेती हूँ। काम करेगा बटरफ्लाई थी, बटरफ्लाई पे स्टोन लगाया है। उसके बाद मैंने देखो, बटरफ्लाई को अगर डबल टेप है तो उसको हम ऐसे लगा सकते हैं, ये देखो ये यहाँ पे, इसको हम इधर उधर मूव करा सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा पेपर लिया, इस टाइप से मैंने पेपर लिया और इसको टूथपिक है या किसी भी चीज़ पे इस टाइप से थोड़ा सा रोल कर लिया। अगर डबल टेप है तो हम इसके सेंटर पे डबल टेप लगा देंगे, इन दोनों साइड पे ना पेस्ट हो, उससे काम चल जाएगा। मेरे पास डबल टेप नहीं है तो मैंने इसको इस पे ये फेविकोल लगा के इसको ये इस टाइप से कट कर दिया। और बटरफ्लाई को नीचे रख के, इसके ऊपर इसको रख के, इसके बीच वाले में मैंने सेलो टेप से, देखिए ये इसको पेस्ट कर दिया है, सेलो टेप से ये पेस्ट कर दिया है। इन में हमने नहीं लगाया है पेस्ट, ग्लू नहीं लगाया है, सिर्फ सेंटर वाले पोर्शन को सेलो टेप से लगा दिया है। तो इससे हम अगर बटरफ्लाई को, देखिए ये इस टाइप से हम इसको मूव करा सकते हैं, ये बटरफ्लाई ये मूव हो जाएगी ये, तो इस टाइप से हमने इसको कर लिया। अब इसके बाद मैं एक कार्ड जिस पे हमें ये इसको करना है, देखिए इस टाइप से, अभी मुझे इस पर रेनबो, मुझे एक इस पर सन और बनाना है, तो उसके लिए मैं ये देखो कुछ रेड स्ट्रिप्स हो गई और येलो स्ट्रिप्स हो गई, इनको इसके ऊपर पेस्ट करके ये देखिए इस टाइप से इनको लगाना है मुझे। तो मैं इसको कट करके इसको रेडी करती हूँ। से ये सन रेडी कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा अभी कट कर देती हूँ।
और इसके बाद जो हमने ये बनाया था इसका हम सेंटर पार्ट भी, इसको ये जो वाइट वाला पार्ट है हम इसे कट कर देते हैं, यहाँ से इस टाइप से मार्क किया और इसको कट कर देंगे। कट हो गया। इसके बाद हम इसको इस टाइप से, हमें इस रेनबो को इस पे लगाना है तो हम इसको पहले सेट कर लेंगे। हम इस टाइप से ये देखिए इस टाइप से हम इसको सेट कर लेंगे और इसको पेंसिल से यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे क्योंकि हमें इसको कट करना पड़ेगा। इसके बाद हम ये सन को भी हमें रखना है यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे। अब देखिए ये हमने ये सन इस टाइप से बना लिया। मैंने ये छोटे और बड़े क्लाउड्स कट किए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन क्लाउड्स को यहाँ पे रखेंगे, इस टाइप से लगाएंगे। और ये मैंने मोम इस टाइप से कट ड्रॉ किया है, इसको कट करके फिर हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। और इसके बाद इस पेपर को हम यहाँ यहाँ पे इसको ऊपर से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने इसको हाफ कट कर लिया जितना हमने इसको ट्रेस किया था। उसके बाद इस सन को इस टाइप से लगा दिया और इसके बाद हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको इस टाइप से हम इसे, ये हम इसको ऐसे रखेंगे और इन क्लाउड्स को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये क्लाउड्स को पेस्ट कर देते हैं और मैंने ये देखिए ये बनाया है इस टाइप से, मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए ये कार्ड रेडी हो गया। इनके फोर कॉर्नर पे हम डबल टेप भी लगा सकते हैं, मैंने फोर कॉर्नर पे ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर दिया है। तो ये देखिए ये कार्ड रेडी हो गया। इसको देखिए ये भी यहाँ पे इस टाइप से स्लाइड करता है, ठीक है, इसलिए हम पूरा पेस्ट नहीं करेंगे। तो ये रेडी हो गया मदर्स डे के लिए कार्ड, तो कुछ हेल्प मिलती है आप इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी टाइप से अपने आप इसमें जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है वो सब, जो भी घर पे अवेलेबल था वही मैंने यूज़ किया है। तो आप भी इसी टाइप से अपनी मदर के लिए कार्ड्स बनाइए।